प्रथम तहलका न्यूज। कला मंच टैलेंट को है प्रतिभा की खोज। क्या आपको गीत, डांस, कविता या थिएटर का है शौक, तो चले आइए अंबाला कैंट के सुभाष पार्क में, जहां कला मंच टैलेंट आपकी प्रतिभा को दे रहा है गोल्डन चांस। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आपको मिलेगा सुनहरा मौका आपके टैलेंट को दिखाने का। 17 दिसंबर को सिंगिंग कॉम्पिटिशन, 18 दिसंबर को डांसिंग कॉम्पिटिशन और 19 दिसंबर को मिलेगा मौका आपको पोएट्री, मोनो एक्ट और स्पीच की प्रतिभा दिखाने का। नहीं भेजनी है मुझे चैनल पे आज तक पे। अरे कांग्रेस देंगे, अरे मालवती। आंगनवाड़ी वर्कर्स के हड़ताल की ये तस्वीरें फरीदाबाद की है, जहां मांगों को लेकर इनका धरना प्रदर्शन बीते 10 दिनों से ऐसे ही जारी है। 10वें दिन आंगनवाड़ी वर्करों ने बड़खल चौक से पैदल मार्च करते हुए एक जुलूस निकाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के सेक्टर 28 निवास स्थान पर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री तो मौजूद नहीं थे लेकिन उनके पीए को ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स को आश्वासन मिला कि कमेटी बनाकर इस पर बातचीत की जाएगी। शर्मा, आज हमारे हड़ताल 10वें दिन में प्रवेश कर गई है, 10 दिन हो गए हमारे हड़ताल चला। आप कहाँ से रैली निकाल कर कहाँ तक आई हैं? हम बड़कन मोड़ से रैली निकाल के कृष्ण पाल गुर्जर जी के ऑफिस पे पहुँचे। क्या मांग जांच है आपकी? यही मांग है हमारी, जब तक हमारी मांग है कि हमारे वर्कर को तीसरे दर्जे का कर्मचारी और हेल्पर को चौथे दर्जे का कर्मचारी सरकार माने, और जब तक ऐसा नहीं करती है तब तक हमारे को न्यूनतम वेतन दिया जाए। वर्कर को 24,000 और हेल्पर को 16,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। क्या आश्वासन मिला है आप कृष्णपाल गुर्जर जी के यहाँ पे निवास पर आई हैं? ये आश्वासन मिला है, इन्होंने कहा कि कल 12 बजे हम आपके पास कॉल करेंगे और आपकी जिला कमेटी यहाँ पे बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। जो 8 दिसंबर से हड़ताल चल रही है उसके समर्थन में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये हड़ताल कितने दिनों से चल रही है? ये हड़ताल 8 दिसंबर से चल रही है, आज 10 दिन हो गए, लेकिन हरियाणा की सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, मांग को लागू नहीं किया जा रहा है। 26,000 सेंटरों में 52,000 वर्कर हेल्पर आंगनबाड़ी की सड़कों के मैदान में है, सड़कों में है, आंदोलन के मैदान में है। जब तक मांगों लागू नहीं होगी तब तक वो हड़ताल लगातार जारी रहेगी। पहले 8 तारीख से 11 तारीख तक थी, अब 18 तारीख तक बढ़ा दी है। कितनी मांगे, क्या मांगे हैं इनकी? 19 सूत्री मांगे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को पक्का करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, ESIPF का लाभ दो, पोषण टैरिफ ऐप जो डाउनलोड करने का दबाव बना गया ऑनलाइन काम का उसको वापस लो, इसके साथ साथ महंगाई भत्ता लागू करो, और जितने भी हमारी आंगनबाड़ी सेंटरों का किराया बकाया उसका भुगतान करो, ESIPF का लाभ दो, ये सारी मांगे इसमें शामिल। अभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को बातचीत करने का आश्वासन तो मिल गया, लेकिन क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। कला मंच टैलेंट को है प्रतिभा की खोज। क्या आपको गीत, डांस, कविता या थिएटर का है शौक, तो चले आइए अंबाला कैंट के सुभाष पार्क में, जहां कला मंच टैलेंट आपकी प्रतिभा को दे रहा है गोल्डन चांस। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आपको मिलेगा सुनहरा मौका आपके टैलेंट को दिखाने का। 17 दिसंबर को सिंगिंग कंपटीशन, 18 दिसंबर को डांसिंग कंपटीशन और 19 दिसंबर को मिलेगा मौका आपको पोएट्री, मोनो एक्ट और स्पीच की प्रतिभा दिखाने का।